स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं RCB वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही और अहम मुकाबले के बारे में। मैच की पूरी जानकारी और पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो कहीं मत जाइए, चैनल से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का मैच का हाईलाइट अट्रैक्शन किस बेस पे है। जिस तरीके की आज इस मैच में पूरी जो पारी रही दोनों ही टीमों की तरफ से, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हैंड्रिक क्लासे का वो परफॉर्मेंस, चाहे RCB की तरफ से विराट कोहली फैफ डुप्लेसी की पारी है। लेकिन सबसे पहले खास चीज जो बात कर लेते हैं वो है स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जिस तरीके हैदराबाद में हो। इसकी एक अपनी एक गाथा रही है कि यहाँ ना ज्ञान बल्ले पे नाइस एंड सीधी सही तरीके से सीधी आती है, जिसका मेन रीजन क्या है कि पिच पाटा पिच है, सपाट है, इसमें बॉलर के लिए खास कुछ है नहीं। और जब आप पहले क्षेत्ररक्षण करते हैं, जैसे RCB ने टॉस जीत के किया, तो वहाँ बहुत हद तक ये लाजमी है कि आपने वो जो मीटिंग पॉइंट होता है, वो जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, जहाँ पर आपको वो डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से आप आगे मैच चलाने वाले, अगर वो RCB के खेल में वो टॉस जीतना बड़ा महत्वपूर्ण होता, क्योंकि RCB के पास वो प्लेयर है जो स्कोर का पीछा कर सकते थे, टारगेट जो उन्हें दिया जाता उसे इजिली वो अचीव कर सकते, तो इस यही एक मेन रीजन था जो RCB ने बिना हेजिटेशन के टॉस जीते पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये सही साबित हुआ। और आज सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप, उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप ना उसमें जो फेरबदल नियमित रूप से कर रहे हैं, पहले मयंक अग्रवाल, उसके बाद से मोहनप्रीत सिंह, ये कहीं ना कहीं वो जो ओपनिंग स्लॉट वो ओपनिंग उससे पहले अभिषेक शर्मा थे, फिर इस मैच में अभिषेक शर्मा की वापसी की गई, वो त्रिपाठी का टीम में शामिल होना, तो वो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग स्लॉट की कमियां हैं, जो खामी है या उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, वो एक मेन मुद्दा है RCB के लिए, सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। मिडिल ऑर्डर हैंड्रिक क्लासे ने अपनी बल्लेबाजी से मजबूत कर दिया है, लगातार हर एक मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस मैच में उन्हें ताबड़तोड़ 51 गेंदों में 104 रन बनाए, और जिस तरीके का उनका पारी रही, मतलब उन्होंने पहले विकेट गिरने के बाद से ही जब वो मैदान पर आए, दो उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने आकर्षक और अट्रैक्टिव शॉट्स लगाए। पार्टनरशिप माक्रम के साथ उनकी अच्छी चल रही थी, लेकिन माक्रम का जो स्ट्रोक जो आपने देखा होगा, आज हर एक प्लेयर रिवर्स स्वीप खेलने की जद्दोजहद करता है, हर एक प्लेयर वो स्विच हिट लगाने की कोशिश करता है, पर इस बार माक्रम की अगर वो गलती देखे, जिसकी जिसके बारे में कमेंटेटर भी ये बता रहे थे कि जब वो स्विच हिट, वो जैसे कि अगर कोई राइट हैंडर बल्लेबाज है, जब वो लेफ्टी के लिए स्विच हिट करता, दैट्स तो ये जो एरिया है जहाँ से आपने यहाँ से स्टांस बदला इस एरिया की तरफ, तो ये पैर जो है आपका वो फिर आपका ये फॉलो थ्रू, ये बैक हैंड हो जाता है और ये पिछला पैर हो जाता है, ये जमीन पे टिके रहना बहुत जरूरी है। और वहाँ माक्रम यही गलती कर गया कि वो पूरी तरह से स्टडी नहीं थे, पूरी तरह से वो हवा में था उनका पिछला पैर, वो बैलेंस नहीं बन पाया, गेंद और उनके बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और सीधा वो ऑफ स्टंप पे उड़ा। और माक्रम को अमूमन लेफ्ट आर्म गेंदबाजों पे दिक्कत हुई है, और यही एक खास वजह रही जब उनकी विकेट क्या कहते हैं कि शहबाज अहमद ने निकाली, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद जो उनका एंटीपिशन था वो थोड़ी सी अंदर आएगी और स्विच हेट करके उसे फाइन लेग की तरफ निकाल देंगे, वो हाँ एंटीसिपेशन उनकी गलत नजर आई। और एक अच्छी पार्टनरशिप, क्योंकि एक तरफ से हैंड्रिक क्लासे मजबूती से और ताबड़तोड़ रन बनाते, सिर्फ उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो क्रीज पे टिका रहता, उनका साथ देता, बाकी काम हैंड्रिक क्लासे अपने बलबूते पर कर रहे थे, शायद माक्रम गलती कर बैठे। और उसके बाद से हैरी ब्रुक्स ने छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली, देखिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रुक्स ने स्टार्ट किया था एज ए ओपनर, और वहाँ उन्होंने पहली जैसे ने आज अपना पहला मैच खेला था वहाँ 100 किए थे। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ, सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑप्शन बहुत है ओपनिंग स्लॉट के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आ रही कि उसे वो भरपाई नहीं कर पा रहे। उनके पास मयंक अग्रवाल है, उनके पास त्रिपाठी, उनके पास अभिषेक शर्मा, उनके पास हैरी ब्रुक, इतने ज़्यादा तादाद में इतने बेहतरीन टीम मेट्स होने के बावजूद अगर आप एक उसमें से बढ़िया एक 11 नहीं चुन पा रहे, तो शायद कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से टीम एक सुदृढ़ टीम नहीं बन पा रही है। यानी RCB के 186 रन सनराइजर्स हैदराबाद में बनाए, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी RCB की उस क्लास की नहीं रही जिसकी जरूरत थी। शुरुआती दौर मोहम्मद सिराज का जो बेहतरीन थे, जिसमें उन्होंने 4 ही रन खर्च किए थे, और उसके बाद उन्होंने पूरे 4 ओवर में 17 रन दिए, विकेट नौ थे। गेंदबाज के रूप में आपका मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद
पार्टनर जो पिछले मैच के स्टार थे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, उन्होंने 5 विकेटें निकाली थी, लेकिन इस मैच में वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं रहे 4 ओवर तक, क्योंकि इसका मेन रीज़न था कि शुरुआती 4थे ओवर में हेनरी क्लासे का क्रीज में मौजूद होना, और उसके बाद से उन्होंने अपने तरीके से आरसीबी के गेंदों को नचाया, आरसीबी के गेंदबाजों को नचाया, और ये उनके अंदर खूबी है, सेट हो चुके थे। शहबाज अहमद ने 1 विकेट निकाली, हर्षल पटेल को 1 विकेट मिली, जो एंड ऑफ द डे आपकी विकेट उनकी हेनरी क्लासे के बजे, अदरवाइज कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं रहा जो उतना इफेक्ट डाल पाता सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, स्पेशली हेनरी क्लासे के ऊपर 186 रन का स्कोर और दो थिंग से ये कम है, लेकिन जिस तरीके की पारी विराट कोहली और जिस तरीके की पारी पैप डुप्लेसी ने खेली, वो विराट कोहली का ना बैट को यूं बार बार घुमाना, दैट वॉज कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि शायद एक बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच के लिए, और बेशक विराट कितने ही आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि विराट एक ऐसे बल्लेबाज है जो सही समय पर राइट डिसीजन लेके और सही बैटिंग से अपने आप को फॉर्म में लाते हैं, और सबसे बड़ी बात जिस टीम के भी साथ रहते हैं उसको एंड ऑफ द मोमेंट पे वो क्लिक करवा देते हैं, वहां से उन्हें विनिंग शॉट दिलाते हैं, और ये विराट कोहली की शख्सियत है, ये खासियत है, वो किस तरीके से अपने आप को उस पोजीशन पे जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हैं जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती। और कल के मैच में यही एक ऐसा पॉइंट था, 186 रन, वो पार्टनरशिप चाहिए थी, और फैब और विराट ने दोनों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, और ब्रेसवेल को 2 विकेटें मिली थी, और जब से ब्रेसवेल आरसीबी की तरफ से जुड़े हैं एक अच्छा खासा बॉलिंग ऑप्शन उनको मिला है, एक तो थर्ड डाउन फोर्थ डाउन बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसके बाद से स्पिन ओवर काफ़ी अच्छे निकालते हो, लेकिन बात विराट और फैब की, ये जोड़ी जो अब तक की इस आईपीएल सीजन में वन ऑफ द मोस्ट एडोरेबल जोड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जोड़ी है, रिलायबल हम इसे कह सकते हैं कि अभी तक आईपीएल में जितनी भी टीमें खेल रही उनके पास इतनी बढ़िया ओपनिंग जोड़ी नहीं है जो आरसीबी के पास है, और ये कई मौकों पे इन दोनों खिलाड़ी ने ये उदाहरण दिया है, अपने आप को साबित किया है, पार्टनरशिप बिल्डअप की है, और सबसे बड़ी बात रेयर चांसेस आपको नजर आए होंगे जब दोनों ही खिलाड़ी परफॉर्म ना कर पाए, एक नए खिलाड़ी परफॉर्म करता है, और आज कल के मैच में जिस तरीके से दोनों प्लेयरों ने पहले फैब ने अटैकिंग शॉट शुरू किया, विराट ने एक एंड संभाल रखा, लेकिन सडनली से जब विराट की नजरें जमती गई, विराट फैब से मिलो आगे निकल गए, और उन्होंने 63 गेंदों में शतक मारा, एक आई थिंक एक लंबे समय बाद, और 18th मई को शतक था, वो एक 18th नंबर उनका फेवरेट नंबर है, 18th नंबर उनकी जर्सी का नंबर है, और जब पहली बार वो अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट हुए तो उन्हें सबसे पहले जो जर्सी विद 18 नंबर दी गई थी, उन्होंने ये अपने खुद एक स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इसके लिए उन्होंने डिमांड नहीं की थी कि 18 नंबर की जर्सी दी जाए, लेकिन जब उन्हें वो मिली तो दैट्स इट, उसके बाद से वो जर्सी तो 18 नंबर उनके लिए बड़ा लकी रहा है, और विराट और फैब की जोड़ी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, अभिषेक शर्मा, टी नटराजन ने खासा निराश किया, जिस तरीके से उनके शुरुआती 2-3 आईपीएल सीजन जो गुजरे थे उसमें लग रहा था कि टी नटराजन भारत के लिए, मैं स्पेशल मेरा खुद का मानना था कि टी नटराजन थे जो भारत के लिए बेहतरीन और डेथ और स्पेशलिस्ट गेंदबाज हो सकते, क्योंकि उनको यॉर्कर की अच्छी खासी मैं कह सकता हूँ, एक अच्छा खासा उन पर एक यॉर्कर की एक भरमार है कि एंड ऑफ द डेथ ओवर में वो बहुत शानदार तरीके से यॉर्कर डालते हैं, और ये उनके लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन जब से वो इंजर्ड हुए उसके बाद से जब उन्होंने कमबैक किया वो बेहतरीन लय में नज़र नहीं आ रहे, और बाकी उसके बाद से चाहे नितेश रेड्डी न्यू कमर वो भी इतने खासे प्रभावी नहीं कर पाया, कुल मिला के सनराइजर हैदराबाद के पास वो गेंदबाजी भी नहीं थी जो आरसीबी को रोक पाए, और कल के मैच में अगर सनराइजर हैदराबाद पास वो गेंदबाजी भी होती चाहे वो आदिल रशीद होते चाहे वो इमरान मलिक होते आई डोंट थिंक सो कि कुछ फर्क पड़ पाता, क्योंकि कल दोनों ही ओपनर ठान के आए थे विराट और फैब किस तरीके से हमें इस मैच को खेलना है, और देखिए पूरे मैच के दौरान जब तक ये पार्टनरशिप चलती रही एक मौका भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये दोनों किसी जल्दी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल धैर्यपूर्वक देखभाल के स्टडी करके शॉट लगाए गए, हर एक शॉट पर गहन विचार विमर्श शब्द से शायद आप कहें कि शॉट खेलते समय किस तरह का तालमेल हो सकता, दैट मीन्स टू हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किस गेंद पर किस दिशा में शॉट्स खेलने, क्रिकेट में विचार विमर्श का मतलब यही होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जो जिसका तालमेल है
वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस होना चाहिए। जितना ज्यादा सुदृढ़ और इफेक्टिव होगा आपके शॉट्स उतने ही बेहतरीन होंगे, उतने ही सटीक होंगे। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और कल विराट का एक बहुत शानदार रूप देख रहे हैं, 12 चौके और 4 छक्के। विराट ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेलने लगे जब से इन्होंने अपना फॉर्म मिस किया है, और वो जो कहीं ना कहीं जो सेंचुरीज में इनकी कमी आई है पिछले 3-1 सालों में, उसके बाद से इन्होंने ग्राउंडेड शॉट से ही खेलने ज्यादा बेहतर समझे। कल इन्होंने 4 छक्के भी लगाया, वहीं फैम ने 2 छक्के 7 चौके, और कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ भी है, एक समय भी ऐसा मौका नहीं दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद जहाँ से कम बैक करने की सोच पाए। विराट कोहली ने पहला, विराट कोहली और उनकी टीम आरसीबी ने पहला पड़ाव पार किया। अभी आईपीएल में जद्दोजहद बाकी है, अभी विराट एंड कंपनी को और आगे का मौका तय करना और लंबा रास्ता तय करना। अब जो निर्भरता है वो दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस पर आ चुकी है कि अगर दूसरी टीम बेहतरीन किस तरीके से खेलती है, कि उनके क्योंकि मैचेस केवल एक ही बचे पड़े हैं और सबको अपना वो लास्ट मैच कम्पीट करना है, उसे जीतना हर हाथ में बड़े मार्जिन से जीतना है। तो अब इन दोनों पे और ज्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है और ज्यादा मेहनत करने की इन दोनों की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो अगला मैच होगा इन दोनों को उसी तरीके से इतनी सटीकनेस के साथ खेलना होगा और एक बढ़िया पार्टनरशिप अपनी टीम को देनी होगी, एक बढ़िया शुरुआत देनी होगी, जिसके बाद से बाकी बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे। और स्पेशली गेंदबाज यूनिट कहूंगा, आरसीबी को अपनी गेंदबाजी यूनिट में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, कि जहां पर ये हर्षल पटेल जो अब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा आई थिंक हर्षल पटेल को ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है, इस अहम मुकाम पे उनको थोड़ा सा उनके साथ एक होमवर्क करने की जरूरत है जहाँ से वो मोटिवेट हो। तो मुझे पता है हम विराट कोहली कंपनी भी जानती है हर्षल पटेल लंबील का लंबी रेस का घोड़ा, वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को साबित किया होगा और आने वाले दिनों में एक बड़ा मैच उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।